हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि हर एक नई वीडियो हम कुछ नया सीखते हैं, तो गाइस आज भी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फिर से हम कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरी साड़ी है और इस साड़ी को आज मॉडिफाई करके एक अमेजिंग सा लुक देने वाली हूँ, कुछ अमेजिंग सा ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप देख सकते हैं कि मेरी एक साड़ी है ब्लू कलर की, और गाइस इसी को मॉडिफाई करके मैं एक लॉन्ग गाउन टाइप में इसका बनाने वाली हूँ। गाउन कह सकते हैं या फिर आप देखेंगे एंड में तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। तो गाइस आपने साड़ी देख ली है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम जो कट करेंगे अपने, ये देख सकते हैं मैंने एक कपड़ा ले रखा है अस्तर, आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें मैं इसमें से चोली पार्ट कट करूँगी। हम लोग बॉटम पार्ट और चोली पार्ट अलग अलग कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैं चोली वाला पोर्शन इसमें कट करूँगी। तो चलिए गाइस मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। आप देखिए मेजरमेंट तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही होता है अपर पार्ट का। तो आप देखिए इस तरीके से मैं इसकी जो शोल्डर रख रही हूँ वो 6.5 इंचेस रख रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो, अगर आप कॉलर वाला या फिर कुछ और लुक देना है तो आप इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो मैं नॉर्मल गले वाला ही बनाऊँगी इसको। और गाइस आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, मैंने इसकी लेंथ 16 इंचेस रख ली है, जितने की मुझे रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हैं अपने चोली वाला पोर्शन थोड़ा सा और लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी लेंथ और ज़्यादा कर सकते हैं, बट मुझे 16 ही चाहिए तो मैंने 16 रख लिया है। बाकी आप देख सकते हैं जो हम मेज़रमेंट नॉर्मल करते हैं 6, 14 और 21, ये सेम एज वैसे रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 6 पर मैं निशान लगा लिया है, उसके बाद मैं 14 पर निशान लगा रही हूँ यहाँ पर। और ये जो नीचे वाला पोर्शन मैंने थोड़ा सा मतलब 2 इंचज़ आप कह सकते हैं वो मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। गाइस जैसे कि हम शोल्डर का शेप देने के लिए आधा 2 इंचेस कम करते हैं, तो देख सकते हैं आप ऊपर मैंने 6.5 लगाया था तो नीचे मैंने 6 लगा दिया। और इस तरीके से हम इसको टेढ़े में मिला लेते हैं, यही भी हमारा शोल्डर का शेप आता है, आर्मोल का शेप। तो देख सकते हैं उसके बाद गाइस अपनी हमें चेस्ट रखनी है, जो भी आपकी चेस्ट है वो रख सकते हैं। तो मेरा जो भी मेज़रमेंट है वो मैंने रख लिया है, और आप ये 4 पार्ट में होता है आपको पता ही है, जो भी आपका मेज़रमेंट है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपने चेस्ट का मेज़रमेंट रख लिया है और अपने वेस्ट का मेज़रमेंट रख लिया है। और गाइस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी मैं, जो हमारा चोली वाला पार्ट होता है इसमें थोड़ा सा मेज़रमेंट अलग होता है वेस्ट पार्ट से। जैसे हम सूट में मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें हमारा वेस्ट, चेस्ट और हिप राउंड आता है, बट हमारे चोली वाला जो पार्ट होता है इसमें ओनली हमारा चेस्ट और वेस्ट वाला पार्ट ही आता है। हमारा हिप राउंड वाला पार्ट थोड़ा उसमें चल जाता है, बॉटम वाला जो भी हम बनाते हैं उसमें। तो ये चीज़ में थोड़ा ध्यान रखने वाली है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। आप देखिए इस तरीके से मैंने अपना मेज़रमेंट कर लिया है और इसको मैंने मिला भी दिया है। और गाइस इस तरीके से मिलाने के बाद हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें चाहिए एक्स्ट्रा पार्ट वो हम मार्जिन के लिए रख लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने 1.5 इंच के समथिंग मैंने ये ले लिया है अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने ये नॉर्मली ले लिया है और उसके बाद हम अपने आर्मोल का शेप भी इसके साथ साथ दे देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस इस तरीके से काफ़ी आसानी से हमारा चोली वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अगर आप इस तरीके की कोई ड्रेस बनाते हैं जिसमें चोली वाला पार्ट और बॉटम पार्ट अलग अलग होता है तो आप देखेंगे काफ़ी आसानी से बन जाता है, काफ़ी जल्दी ये बन के रेडी भी हो जाते हैं और इसका मेज़रमेंट भी काफ़ी इजी होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा आर्मोल का शेप भी लग चुका है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा चोली वाले पार्ट कट हो चुका है, और मैं आपको उसे खोल के दिखा देती हूँ किस तरीके से बन के आया हुआ है। ये देख सकते हैं जैसे हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं गाइस, अस्तर वाला जो ब्लाउज़ होता है उसका जो अस्तर होता है सेम एज ये वैसे ही दिखेगा अभी आपको। कुछ कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंस होती हैं, डिफरेंस होता है इसमें। तो चलिए गाइस मैं इसको पहले अलग कर देती हूँ, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो साड़ी है उसमें से भी चोली का पार्ट कट करेंगे। तो ये हमारा चोली के लिए अस्तर कट हो चुका है, अब सेम एज़ हम अपनी जो साड़ी है उसमें से एक कपड़ा कट करेंगे चोली के लिए। तो गाइस ये है मेरी साड़ी और इसमें मैं अपने अस्तर को सीधा रख कर और एकदम से कट कर लूँगी इसी में। ज़्यादा मेज़रमेंट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मेज़रमेंट जो भी था अपने अस्तर में कर लिया है। तो हम इसको अस्तर को डायरेक्ट इसमें रख कर अब इसी के शेप में इसको कट कर लेंगे। तो चलिए गाइस कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो मेरा साड़ी है इसको मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, और जो मेरा अस्तर है वो भी 2 फोल्ड में ही है अभी, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। अगर मैं इसको वैसे फोल्ड करती या 4 फोल्ड अगर मैं अस्तर करती तो सेम एज मैंने साड़ी भी 4 फोल्ड में रखती ताकि फ्रंट और बैक दोनों के लिए कट हो जाता, बट मैंने इसको 2 फोल्ड में रखा है तो ये साड़ी भी मैंने 2 फोल्ड में रखी है, तो इससे भी मेरा फ्रंट और बैक दोनों कट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा कपड़ा कट हो चुका है, साड़ी का कपड़ा। और अब मैं इनको भी अलग अलग कर लेती हूँ क्योंकि ये दोनों मेरे 2 फोल्ड में थे, और अलग कर लूँगी तो ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट आपको दिखा दिए हैं, ये फ्रंट है और ये बैक का है, और ये अस्तर भी इसके ऊपर मैंने इस तरीके से रख लिया है। आप देखिए जो मैंने इसमें जिसमें मैंने मेज़रमेंट किया था ये फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। तो आप देख सकते हैं
मेरा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट और विद अस्तर रेडी हो चुका है कट के। तो चले गए सब मशीन की तरफ चलते हैं। तो चले गए इसके चारों ओर मैं स्टिच कर लेती हूँ, दोनों को अटैच कर लेती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं। और गाइस इसके बाद जो हमारा मेन काम होता है वो होता है हमारा नेक डिज़ाइन बनाने का। तो गाइस नेक डिज़ाइन की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इससे पहले जस्ट वाली वीडियो मैंने नेक डिज़ाइन की ही डाली थी। ये देखिए गाइस ये नेक डिज़ाइन बनाया हुआ है मैंने इस चोली वाले पार्ट पे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें अगर आपको ये सब चीज़ दोबारा बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने नेक डिज़ाइन की वीडियो पहले ही डाल दी थी। तो गाइस नेक डिज़ाइन बनाने के बाद हम इस वाले पार्ट पर आएंगे अपने बॉटम वाले पार्ट पे। तो अगर नेक डिज़ाइन आपका बन गया हो तभी आइएगा इस वाले पार्ट पे। तो देखिए गाइस हमें साड़ी को इस तरीके से आप ट्रायंगल शेप में कह सकते हैं रख लेना है पहले। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में रख लिया है, और उसके बाद हम अपने जो चोली वाला पार्ट है उसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए ये मेरा चोली वाला पार्ट है और इसको हमें इस तरीके से इसका ऊपर रखना है। ये देख सकते हैं जैसे मैंने रखा है सेम एज आपको भी इस तरीके से रखना है, और इसी के शेप में इसको अब आगे को हम बनाएंगे। देखिए जो भी हमारा चोली वाले पार्ट का मेज़रमेंट है वो मेज़रमेंट हम यहाँ पे करेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से हमें मेज़रमेंट करना है। ये हमारा ये हमें वेस्ट वाला पोर्शन का ही मेज़रमेंट है वो हमें यहाँ पर करा है, और उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कटिंग कर ली है मैंने, और कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट बन के आएगा। और अब इस वाले पार्ट को जो आप कह सकते हैं बॉटम वाला पार्ट है इसको भी हमें एडजस्ट करना है, मतलब इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एक साइड के कोने निकल जाते हैं वो अच्छा नहीं रहता। तो आपको देखिए इस तरीके से अपने वेस्ट वाले पोर्शन से लेते हुए सेंटर में मार्क करना है, जो भी आपको जितनी लेंथ चाहिए उस पर मार्क करिएगा। मेक को जो लेंथ चाहिए मैंने टोटल ही रखनी है तो मैंने टोटल ले ली है, और उसके बाद आपको इसी तरीके से लेते हुए चारों ओर से राउंड शेप में इसको कट करना है। देख मतलब आप मेज़रमेंट कर लीजिएगा देन कट करिएगा। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ सेम एज़ इस तरीके से हमें राउंड शेप देते हुए इसको कट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसमें निशान लगा लिया पूरे में, और अब मैं इसमें सेम जैसे मैंने निशान लगाया उसी में इसको कट कर लेती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है, और ये मेरे बॉटम और चोली वाला अपर वाला पार्ट दोनों कट के रेडी हो चुका है, और कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। तो चले गए इस मशीन की ओर चलते हैं अब। तो चले गए इसमें इसके साइड वाले पोर्शन अटैच कर लेती हूँ पहले। तो गाइस मैंने साइड वाले पोर्शंस भी अटैच कर लिए हैं, नेक डिज़ाइन वगैरह की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई आप देख लीजिएगा। तो अब जो हमारा मेन काम है वो हमारे बॉटम वाला पार्ट को अटैच करने का है। तो अब चलिए गाइस हम सबसे पहले अपना वेस्ट वाला पोर्शन एक बार मेज़र कर लेते हैं, क्योंकि मैंने स्टिचिंग कर ली है साइड वाले पोर्शंस में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 17 इंचेस इसका आ रहा है मेज़रमेंट। अब जो हमारा काम है बॉटम वाले पार्ट को इसमें अटैच करने का काम बचा है। तो देखिए गाइस उसको अटैच करने के अलग अलग तरीके हैं, आप जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे, और देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें बच रहा है, तो इस कपड़े में हम चुनरी डालेंगे। वैसे मुझे चुनरी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, आप चाहे तो प्लेन में भी कर सकते हैं, और जो भी आपका एक्स्ट्रा पोर्शन बच रहा है उसको आप साइड में स्ट्रेच कर सकते हैं तो वो इक्वल आ ही जाता है। तो गाइस मुझे चुनरी काफ़ी अच्छी लगती है तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, इसलिए मैं इसमें इलास्टिक पेस्ट कर रही हूँ। इलास्टिक पेस्ट करूँगी ना तो इसमें चुनरी अपने आप बन जाएंगी, क्योंकि हम इलास्टिक स्ट्रेचेबल होता है तो हम उसको खींचते हुए बनाएंगे तो चुनरी बनी जाएंगी। आप सभी को पता ही होगा अगर आप स्टिचिंग करते होंगे, तो नहीं करते तो मैं आपको बता देती हूँ, हम अगर जो इलास्टिक होता है उसके साथ अगर उसको लेते हुए चलेंगे स्ट्रेच करेंगे तो अपने आप चुनरी बन जाती हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिएगा इस तरीके से कुछ हम लेते हुए इसमें चारों ओर इसकी स्टिचिंग करेंगे, और जो इलास्टिक है इसके चारों ओर आएगा ये। और आप चाहें थोड़ा लेयर मोटी कर सकते हैं ताकि आपका जो इलास्टिक वाला पोर्शन है ये शो ना हो। गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट करिएगा गाइस, ताकि आगे भी मैं आपके लिए इसी तरीके की और अमेजिंग से वीडियो ला सकूं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप ही के बेनिफिट के लिए है ताकि आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको सीख सकें। तो गाइस आप देख सकते हैं चारों इलास्टिक लगा दिए हैं मैंने, कुछ इस तरीके से मेरा इलास्टिक लगाने के बाद ये बन के आया है, और आप देख सकते हैं चारों ओर से इसकी चुनरी बनी हुई हैं, और यही चुनरी मुझे चाहिए थी अपने इस गाउन में, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। अभी इसका फुल लुक बनेगा क्योंकि इसके नीचे प्लाजो बनाने वाली हूँ मैं, और उस प्लाजो की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका लुक रेडी हो चुका है, और ये कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। अभी मैं जो इलास्टिक वाला पोर्शन थोड़ा सा शो हो रहा है गाइज आपको, इसको भी मैं एडजस्ट करूँगी, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर लेयरिंग थोड़ी सी आप मोटी कर देते तो भी ये बन जाता है, मैं इसको थोड़ा सा भी मोटा कर लूँगी तो ये चीज़ हाइड हो जाती है काफ़ी आसानी से। तो चलिए गाइज इसको फिर हम इस तरीके से जब हमारा इलास्टिक लग जाएगा तो हम अपने साइड वाले पोर्शन को अच्छे से अटैच कर लेंगे, ताकि जो इलास्टिक वाला पोर्शन है ये भी इसमें अटैच हो जाए। तो देखिए गाइज लंबाई में हमें स्ट्रेच कर लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको कर लेती हूँ।
तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है, और इसमें एक ही साइड स्टिचिंग का होता है, बाकी ये सर्कल में ही होता है। आप जब खुद से इसको करेंगी कट तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें घेर बन के आए हुए हैं इतने सारे, आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये साइड में मैंने स्टिचिंग करी हुई है, आप देख लीजिए। बाकी ये वाला पोर्शन पूरे मेरे इतने सारे घेर हैं और ये वाला पार्ट बंद है। और आप देखिए ये हमारा बॉटम वाला पार्ट है, इसको भी मैं बनाऊँगी। तो गाइस ड्रेस में अब जो मेरा काम बचा हुआ है, इसका जो स्लीव्स है उसका काम बचा हुआ है। तो चलिए गाइस इसकी चौड़ाई मैं ले लेती हूँ जो भी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने स्लीव्स में मेज़रमेंट करूँगी। तो आप देख सकते हैं 8 इंचेस पे आ रहा है, और वैसे ऑलमोस्ट दोनों सेम ही आते हैं, माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो गाइस आप देख सकते हैं 8 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, मैंने आपको कुछ ऐसा कहा था, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, माइनर सा डिफरेंस होता है। तो देखिए गाइस उसके बाद मुझे अभी ये जो एक मेरा दुपट्टा बचा हुआ था तो उसका मैं अभी ये स्लीव्स बना रही हूँ। स्लीव्स गाइस इस दुपट्टे की लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इस दुपट्टे को पूरा ही यूटिलाइज़ करने वाली हूँ, मतलब मैं इसके स्लीव्स फुल बनाऊँगी। और जो मेरा मोरी वाला पोर्शन होता है ना गाइस, वहाँ पर चुनरी बनने वाली है, और उसमें भी काफ़ी सुंदर लुक आएगा। मैं आपको दिखाऊँगी इसका फाइनल लुक, आप देखेंगे आपको खुद ही लगेगा काफ़ी अमेजिंग सा इसका लुक बन के आया हुआ है। तो चले गए इस मेज़रमेंट करते हैं, ये देख सकते हैं जैसे मेज़रमेंट हम सिंपल वाले में करते हैं सेम आज उसमें भी ऐसे ही करना है हमें। आप देख सकते हैं इस तरीके से 8 इंचेस मेरा आ रहा था, तो देख सकते हैं 8 इंचेस यहाँ पे भी आ चुका है मेरा, और उसी के अकॉर्डिंग अब हम अपने आगे का मेज़रमेंट करेंगे। और गई स्लीव्स का मेज़रमेंट, अगर हम चुन्नटी वाले लॉन्ग स्लीव्स कह सकते हैं बनाते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है, जितना जितना हम नीचे को चलते रहते हैं मोरी वाले पोर्शन साइड को, उतना उतना हमें थोड़ा सा इसकी जो ब्रेथ है वो कम करते हुए चलना होता है, क्योंकि चुन्नटी बनने वाली हैं काफ़ी सारी, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। बाकी स्लीव्स का जो मेज़रमेंट होता है सेम ही होता है। तो आप देख सकते हैं 8 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो ठीक है इतना ही मुझे चाहिए। बाकी जो हम लोग अपने आर्मोल के लिए लेते हैं मेज़रमेंट, 3 इंचेस मैंने ले लिया है। सेम इस तरीके से यहाँ पे भी मैं 3 इंचेस लूँगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आगे का मेज़रमेंट करेंगे। स्लीव का मेज़रमेंट भी गाइस मैंने बहुत बार डाला हुआ है चैनल पर, अगर आप देखना चाहते हैं बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो देख सकते हैं इस तरीके से 3 इंचेस लेने के बाद हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे, और उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ वाले पोर्शन से हम 4 इंचेस तक तो स्ट्रेट में लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हो, यहाँ तक हम स्ट्रेट लेते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए चलते हैं अपने स्लीव्स में, क्योंकि यही जो राउंड शेप है इससे हमारे जो हम स्लीव अटैच करते तो काफ़ी अच्छा शेप आता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से यहाँ पर शेप देना है, और जो शेप हमने दिया है इसी शेप में हमें इसको कट भी करना है। तो चलिए गाइस हम अपने मोरी वाले पोर्शन में आ चुके हैं। आप देखिए मोरी वाला पोर्शन हमारा ये वाला पोर्शन होता है, और ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ वैसे ही काफ़ी पतले हैं, तो आप देख सकते हैं 7 इंचेस आ रहे हैं। तो इसी का हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपना मोरी का नाप लगाएंगे। 4 इंचेस में ले रही हूँ, तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी मोरी वाला पोर्शन काफ़ी अच्छे से फिटिंग के साथ आएगा, क्योंकि आपको पता ही है अगर चुन्नटे वाले हम बना रहे तो हमें मोरी की थोड़ी फिटिंग चाहिए होती है। अगर हम लोग चुन्नटे वाले नहीं बनाते तो हम लोग लूज़ थोड़ा सा 5 इंचेस भी लेते तो चल जाता, बट हम लोग फिटिंग का बनाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें चुन्नटे बनेंगी। यहाँ तक तो हमारी जितना मैंने अभी रखा हुआ है आप देख सकते हैं हमारी चुन्नटी बननी ही है, आप देख सकते हैं इतना तक तो हमारी चुन्नटी बनेंगी। उसके बाद को हमारा ऊपर साइड को आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा फिर स्लीव का आगे वाला पोर्शन, एल्बो वाला पोर्शन आप कह सकते हैं, वो वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हम थोड़ा चौड़ाई बढ़ाते हुए चलेंगे, और फिर तो हमारा आर्मोल का शेप ही आ जाता है, तो इसको हम पूरा ही रख लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको थोड़ा सा फिटिंग देते हुए चलना है, अगर थोड़ा सा टाइट हो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक ये स्ट्रेचेबल होता है, तो दिक्कत नहीं आती है अगर थोड़ा सा टाइट भी हो जाता है। तो देख सकते हैं गाइस इस तरीके से हमारी स्लीव्स में मेज़रमेंट हो चुका है, उसके बाद हमारा कटिंग वाला पोर्शन ही बचा है। जब चलिए गाइस मेज़रमेंट कर लिया है तो कटिंग भी कर लेते हैं, और कटिंग हमारी सेम ही होने वाली है, जैसे हमने निशान लगाया है वैसे वैसे हम इसमें कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं स्लीव्स कट हो चुकी है मेरी, अब मैं इसको अटैच कर लेती हूँ जल्दी से। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरी अब स्लीव्स भी अटैच हो चुकी हैं, ये देखिए सिंपली अटैच करी है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं करी है इसमें। स्लीव्स अटैच करने की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है गाइस, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने जो जो चीज़ आप कर सकते हैं वो चीज़ मैंने नहीं बताई है, तो आप माइंड मत कीजिएगा। तो देखिए गाइस हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हमने आप रेडी करना है। वैसे आप सिंपली भी रख सकते हैं, ये भी अच्छा ही लगता है, बट मैं चाहती हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने ये लेस खरीदी हुई है मार्केट से, आप इसको ऐसे आप चाहें तो सिंपल रख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप लेस खरीद के आप इस तरीके से हमें इसके चारों ओर लगा देनी है।
तो गाइस आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ थोड़ा सा वीडियो शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ। लगाने का वे काफ़ी इजी होता है, इसलिए मैं नहीं दिखा रही थी आपको। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से लगाए। गाइस देखिए, लेस हम ऊपर वाले पोर्शन में लगा रहे हैं, मीन्स वो दिखनी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऊपर वाला पोर्शन जो हमारा होता है उसको फोल्ड करते हुए चलना है, और वो भी अंदर साइड को, मतलब अंदर साइड को नहीं, सॉरी बाहर साइड को, क्योंकि हमारी जो लेस है उसके वो नीचे हाइड हो जाएगी। लेकिन हम उसे उल्टा में करेंगे तो फिर से निकलने लग जाएगी। तो हमें उसको ऊपर साइड को ही फोल्ड करते हुए चलना है, जो हमारा नीचे वाला एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको। और आप देख सकते हैं अभी कंप्लीट तो नहीं बना है, बट फिर भी आप देखिए लेस लगा के इसका लुक एक अलग ही लुक आ रहा है, और कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो चलिए गाइस एक काम करती हूँ, मैं इसमें चारों ओर लगा देती हूँ, क्योंकि अब मैं इसको पूरी चारों की वीडियो आपको दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गई है। तो अब मैं इसको लगा लेती हूँ चारों ओर, फिर आगे की वीडियो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो गाइस पूरे में लेस लगा दी है मैंने, और ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने नहीं इमेजिन किया था कि इतना सुंदर बन जाएगा लेस लगाने के बाद। और आप देखिए बिल्कुल मार्केट वाला इसका लुक आ रहा है। अभी मैं इसको जब वेयर करके आपको शो करूँगी ना, तो आप खुद ही देखिएगा कि कितना प्यारा बन के आएगा। तो ये मेरा ऑलमोस्ट गाउन लुक आप कह सकते हैं रेडी हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरी ड्रेस पूरी रेडी हो चुकी है, और ये इसका फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लुक इसका लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड जैसे होते हैं उस तरीके का इसका लुक लग रहा है। आप देख सकते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो ये है मेरी आज की ड्रेस, काफ़ी मेहनत से मैंने इसको बनाया है, मतलब कुछ न्यू मैंने बनाने की कोशिश करी है, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ आप इसको पूरा देख लीजिएगा, और गाइस खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ड्रेसेस आजकल ट्रेंडिंग पे, हर कोई कुछ न्यू लुक में पहनना चाहता है। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर करी कुछ न्यू ड्रेस बना के। तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, और मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी उसमें। और गाइस इसके नीचे वाला पोर्शन देख सकते हैं, इसमें मैंने शरारा लुक में एक प्लाजो बनाई हुई थी, मतलब एक्जैक्टली वो प्लाजो ही थी, थोड़ा सा उसको मैंने शरारा लुक दिया था, एक्जैक्टली शरारा भी नहीं कह सकते हैं उसको। तो वो मैंने इसके नीचे पहना हुआ है, इसकी वीडियो भी मैं चैनल पर डाल दूँगी, तो आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू।